सब्सक्राइब। मैं देखती हूँ आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आपसे मिलने। आज के ब्लॉग में बताने वाली हूँ दिवाली ब्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ दिवाली का डेकोरेशन के लिए फिंगर क्लॉथ। देखते हैं मिलता है कि नहीं, और आप बीच में से गायब मत हो जाना। कैंडल से यहाँ पे झूम दे। गाइस, हम लोगों की शॉपिंग हो गई है। हम लोग अभी जा रहे हैं घर पे, आपको दिखाते हैं क्या क्या हम लोगों ने लिया है। ओके, चलो मिलते हैं घर पे। सो हम जब शॉपिंग के लिए गए यहाँ पे, तो हमने क्या क्या चीजें ली उसका हम बताते हैं आपको। सो हमने लिया है ये कैंडल जो कि हम जला सकते हैं, इट्स ब्यूटीफुल राइट। और क्या क्या चीजें ली, ये एक ऐसे बहुत ब्यूटीफुल था, जब ये लाइट अप होगा तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं उसमें से रिफ्लेक्शन आएगी जो कि एट नाइट बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। सो ये हमें एक्चुअली कितने का पड़ा, इट्स अराउंड 2 यूरो, अराउंड 160 रुपीज। हमें बहुत ब्यूटीफुल सा टांगने वाला मिला है जो कि चिमनी जैसा दिखता है, इंडिया में जो हम मोस्टली यूज करते हैं। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ पे हम कुछ ऐसे लालटेन टाइप लगाए जो कि यहाँ पे हम इससे मैं DIY करके कर सकती हूँ। और रंगोली निकालने के लिए हमने इंडियन शॉप से हमें ये मिल गया जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे घर के एंट्रेंस के लिए। और दूसरा ये तो काम बन गया है यहाँ पे। और हमने लिया है ये कैंडल्स। यहाँ पे कैंडल्स बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग बहुत सारे कैंडल्स लगाते हैं, कोई फेस्टिवल होता है। तो ये जो लिया है वो है ब्लैक चेरी, यानी ब्लैक चेरी जब आप बर्न करते हैं उनके कैंडल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इफ़ यू लाइट वन कैंडल ऑल्सो ना, पूरे घर फ्रेग्रेंस ही होता है, बहुत अच्छा फील होता है। सो आई टेकन दिस वन ब्लैक चेरी कैंडल, ये लिया हमने स्पेशली बिकॉज जब हम लाइटिंग लगाएंगे तो यहाँ पे ड्रिल नहीं कर सकते हैं। हम ये लगाएंगे और उसको कनेक्ट करके लाइटिंग लगाएंगे। इसे बोलते हैं क्लैपर हाकन जो कि 9 पीसेस हैं, और सबसे फेवरेट वाला ये वाला है मेरा, इट्स ब्यूटीफुल राइट। एंड ये जो कॉस्ट था वो इट्स अराउंड 3 यूरो, अराउंड 240 रुपीज का मुझे मिला है। दैट्स ओके, इंडिया में भी वही प्राइस है, नॉट सो डिफरेंट। बट जब ये रात को जलेगा बहुत ही अच्छा दिखेगा। एंड इसका DIY करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसमें फेरी लाइट डालेंगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इफ़ यू पुट वाटर इन दिस एंड फ्लोटिंग कैंडल डालोगे तो भी वो ब्यूटीफुल दिखने वाला है। ये वन टाइम यूज़ नहीं है, मैं उसको बहुत टाइम यूज़ कर सकती हूँ। गुड डील। और मैंने ये वाला कैंडल्स भी लिया है बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुली ग्लो होता है रात को। सो गाइज, ये दिवाली में मैंने प्लान किया है बनाने के लिए बिकॉज बहुत कम टाइम रह गया मेरे पास, आई डोंट हैव सो मच टाइम। टुडे इज आई थिंक 9th November, सो इट्स 10, 11, 12, 3 days टू गो, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी। सो आई एम प्लानिंग टू प्रिपेयर इन स्मॉल टाइम शंकरपाली, नमकपारा जिसे शिवड़ा बोलते हैं इन सम प्लेसेस, चिवड़ा, फोर्थ इज करंजी, कुशित करंजी। इसके बगैर तो दिवाली फेस्टिवल कंप्लीट ही नहीं होता है। सो करंजी इज मस्ट। सो गाइस, ये आप देख रहे हैं, ये हम नमकपारी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ जगह पे इसे शेवड़ा भी बोला जाता है, जो कि शंकरपारी जो कि मीठा वर्जन है, ये नमकीन वर्जन है उसका। तो ये अभी हम डाल रहे हैं, इसे फ्राई करेंगे अराउंड 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स के बाद में वो रेडी हो जाएगा। वो इवन चाय के साथ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड टेस्टी लगता है ये।
तो दिवाली जैसे लाइट्स की त्यौहार है, वैसे ये खाने के भी त्यौहार है। सो मजा करते हैं इस दिवाली में हमारे साथ। तो लेट्स चेक आउट यहाँ पे दिवाली के फराल कितने के मिलते हैं, क्योंकि अगर आपको बाहर रहना है तो यहाँ पे दिवाली के फराल की कॉस्टिंग क्या है, चलो देखते हैं। तो आज कंपेयर टू इंडिया, जर्मनी में कॉस्ट थोड़े हायर रेट्स होंगे फराल अगर आप लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आप रवा के लड्डू ले रहे हैं जो अराउंड 300 रुपीज़ में 250 ग्राम मिलेगा, जो कि अराउंड 5 या 6 ही रहेगा। बेसन के लड्डू 360 रुपीज़ 450 ग्राम एंड करेंटली 200 ग्राम का 350 रुपये हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट है यहाँ पे। एंड चकली भी 200 ग्राम लेंगे तो 300 रुपये में पड़ेगा, सो एक्चुअली इट्स वेरी कॉस्टली हियर। एंड अगर आप अनारसा ले रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, इसके अराउंड 500 रुपीज़ फॉर 200 का। तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पे फराल में, बट जिसके पास टाइम नहीं है उनके लिए ये सारी चीज़ें ओके हैं खाने के लिए। तो अब चलिए बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन का यहाँ पे क्या कॉस्ट है। अगर आप पोहे की चिवड़ा ले रहे हैं वो 240 रुपीज़ है अराउंड 200 ग्राम, जो कि अपने यहाँ पे 1 kg मिलेगा उसी रेट में। मक्का का चिवड़ा इस अराउंड 240 रुपीज़, मिक्स पर्सन इस अराउंड 200 रुपीज़ फॉर 200 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें यही प्राइस में अपने को इंडिया में 1 kg के कॉस्ट में मिलती है। तो इट्स द प्राइस इज फॉर 200 ग्राम, इट्स वेरी कॉस्टली। इवन पापड़ा जो कि इंडिया में आपको 40 या 50 रुपीज़ में आपको 200 ग्राम आराम से मिल जाएगा, यही कोई वही चीज़ यहाँ पे 240 रुपीज़ फॉर 200 ग्राम है। शंकरपाली इज फॉर 300 रुपीज़ फॉर 200 ग्राम, भाकरवाड़ी इज फॉर 230 रुपीज़ फॉर 200 ग्राम। एंड सबसे ज़्यादा अगर कॉस्टली बात की जाए यहाँ पे जो हलवा है जो हमारे यहाँ पे 50-60 रुपीज़ में मिल जाएगा अराउंड 50 ग्राम, इट्स 560 रुपीज़ फॉर 200 ग्राम। एंड और दूसरा है सोन पापड़ी जो अपने यहाँ पे भी 70-80 रुपीज़ में मिल जाएगा अराउंड 50 ग्राम, जो अराउंड 300 रुपीज़ की सोन पापड़ी यहाँ पे मिल रही है। एंड नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पे है सितार फिरनी, सितार फिरनी जो अपने राम येलो कलर के सर्कल टाइप्स में वायर टाइप्स होते हैं, जो कि मोस्टली अपने यहाँ पे मार्केट शॉप्स में स्वीट के शॉप में मिलते हैं। दैट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 500-600 रुपीज़ फॉर 200-250 ग्राम। सो देखा जाए तो इट्स वेरी कॉस्टली हियर एक्सपेंसिव जर्मनी, राइट। सो ये चीज़ मैं आपको इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि यू शुड नो कि व्हाट आर द कॉस्टिंग, अगर आप इंडियंस हैं एंड आपको यहाँ पे बाय करना है सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द फराल इन जर्मनी।